दोस्तों एक शेर है कि सितंगर वक्त का तेवर बदल जाए तो क्या होगा, और मेरा सर तेरा पत्थर बदल जाए तो क्या होगा। अमीरों कुछ ना दो ताने तो मत दो इन फकीरों को, जरा सोचो अगर मंजर बदल जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों ये शेर जो है इसी मामले पर चरितार्थ होने वाला शेर है। ये हमारे साथ इस वक्त एक ऐसा फरियादी आके बैठे हैं अपनी फरियाद लेकर, जिनकी पुलिस भी नहीं सुन रही है। जबकि एक ऐसा मामला मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनके साथ एक बार नहीं तकरीबन 5 से 7 बार तथा कथित युवकों ने, बदमाशों ने कई बार हमले किए, कई बार जो है इन्हें किडनैप करने की कोशिश किया, मगर इनके मामलों पर, इनके विषय पर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। तो हम उनसे बात करेंगे। अभी 2 महीना पहले उनका किडनैपिंग एक रिक्शे वाले ने किया था, जिसमें इन्होंने मीडिया को बताया था कि नदीम चिकने के इशारे पर हमारा अपहरण हुआ है और नदीम चिकना मेरी बजाना चाहता है। तो वो न्यूज जो है सोशल मीडिया से लेके तमाम अखबारों में प्रकाशित किया गया था, बावजूद इसके प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो क्या प्रशासन सुल्तान रिजवी के जनाजे में आना चाहता है? प्रशासन क्यों उनके मौत का इंतजार कर रहा है? अगर समय रहते इस मामले पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो फिर अनर्थ हो जाएगा। तो आज का ये जो लेटेस्ट मामला है, वर्तमान समय का जो मामला है, आज ये मुमरा पुलिस स्टेशन किसी मामले को लेकर गए थे, वहां से इनका निकलना अपनी घर की तरफ हुआ, अमृत नगर की तरफ। तो वहां पर एक रिक्शा वाला बिना किसी बात के इनको घेर लिया और अपनी रिक्शा इनके ऊपर चलाने की कोशिश किया, चढ़ाने की कोशिश किया। तो अब हम आपको इनकी एक्टिवा भी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इनके साथ किस तरह की अभद्रता की गई है, किस तरह के वारदात पेश आए हैं। तो हम सुल्तान रिजवी जो इस मामले के फरियादी हैं, जो बिल्कुल घबराए हुए हैं, जिनके साथ एक बार नहीं आधा दर्जन बार हमले होने की शिकायत पेश आई है, तमाम शिकायतें इनकी मुमरा पुलिस स्टेशन में बंडल में जो है कैद है, और वो जो है किसी भी तरह से इनके मामलों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आज अगर पत्रकारों की सुरक्षा की बात किया जाए तो ये जो सुल्तान रिजवी हैं, ये एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार, एक पत्रकारिता का एक संगठन है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मुमरा दर्पण समाचार चलाते हैं, धुआंधार समाचार के चीफ एडिटर हैं। तो ऐसे तमाम संगठनों के ये चीफ एडिटर हैं। जब ये सुरक्षित नहीं है, ये मान लीजिए कि हमारे देश का जो फोर्थ स्ट्रक्चर माना गया है वो सुरक्षित नहीं है, तो आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगी, आम नागरिक कैसे सुरक्षित रहेगा? तो अब जो है पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगा है। जबकि देश के जो सूचना प्रसारण मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि बहुत जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाएगा, मगर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सुल्तान रिजवी साहब हमेशा जब पत्रकारों के साथ हमले होते हैं, पत्रकारों के ऊपर हमले होते हैं, तो सुल्तान रिजवी अपने पूरे लाल लश्कर के साथ वहां पर जाते हैं, अपने निजी खर्च से जाते हैं, यहां तक कि ये दिल्ली जंतर मंतर तक पहुंच चुके हैं। अभी 2 साल पहले की घटना है दोस्तों, मीरा रोड में एक राघवेंद्र दुबे नामी युवक, जो खुशबू उजाला नामक अखबार निकालता था, उसको कनकिया चौकी के बगल में व्हाइट हाउस बार में उसे मार दिया गया, और उसकी पूरी लड़ाई जो है उसमें पूरी मदद करने वाले पूरे लाल लश्कर के साथ मुमरा से चलकर भाईंदर महानगर पालिका के सामने आंदोलन हुआ था, उग्र आंदोलन हुआ था दोस्तों। ये पूरे लाल लश्कर के साथ वहां पहुंचे थे और राघवेंद्र दुबे के परिजनों को न्याय दिलाने की हर संभव प्रयास किए थे। अब ये सुल्तान रिजवी खुद जो है बहुत घबराए हुए हैं, इनके साथ बहुत अभी 2 महीने के अंदर 3-4 घटनाएं सामने आ चुकी है। तो ये घटनाएं बार बार क्यों हो रही है, कौन कर रहा है ये हमला, तो हम बात करेंगे और आप सबसे जो है उनको रूबरू कराएंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है वो शख्स जो आप पर बार बार हमला करवाना चाहता है, जो आपकी आंखों में, जो आपको देखना पसंद नहीं कर रहा है, जिसकी आंखों में आप खड़क रहे हो, कौन है वो शख्स? हम बात करेंगे सुल्तान रिजवी से। जो चलते हैं दोस्तों सुल्तान रिजवी साहब के पास। तो सुल्तान भाई बताइए कि अभी आप पहले तो आज का जो ये मामला हुआ है, जिसलिए आप मुमरा पुलिस स्टेशन में गए, आपने एनसी किया, क्यों किया एनसी, क्या वारदात सामने पेश आई, आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए। आज की घटना है कि मैं मुमरा पुलिस स्टेशन किसी
काम से गया था न्यूज कवर करने के लिए, और वहां से मैं काम निपटा करके फिर अपने घर जा रहा था अमृत नगर। और अमृत नगर जाते वक्त जो है माइक कंपनी के ठीक सामने एक ऑटो रिक्शा जिसका रिक्शा नंबर MS04JH1603 वो जो है बीच में रिक्शा खड़ा किया था, शायद उसने हमको कांच से देखा आते हुए और उसने बीच में रिक्शा खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गई। मैं साइड से गया और मैंने उससे कहा कि भाई रिक्शा तुम क्यों बीच में खड़ी की हो, तुमको सवारी उतारना है या सवारी बैठाना है तो तुम किनारे रिक्शा खड़ी करो। इतना कहना था कि वो फौरन गाड़ी गलौज पे आमादा हो गया, हमको बुरी बुरी गालियां देने लगा। फिर हमने फौरन जो है उसके अपनी जो एक्टिवा गाड़ी थी उससे उसके ऑटो रिक्शा के आगे खड़ी करके, और मैं पुलिस को फोन करना चाहता था कि उसने फौरन जो है वो हमारे ऊपर जो है ड्राइवरी सीट पर बैठ करके और रिक्शा चढ़ाने का प्रयास किया, मगर हमने जो है हालात को देखते हुए वहां से मैं हट गया और फौरन जो है मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा। इसमें कोई शक नहीं कि अगर मैं 2 मिनट भी वहां रुक जाता तो हमको जो है उड़ा सकता था, और वो बाकायदा नशे में था और काफी चेहरे से कुख्यात लग रहा था। यानी हमको फिर बाद में याद आया कि ये वही शायद वही रिक्शा चालक है जब हमारा किडनैप किया गया था मित्तल ग्राउंड में, हमारे ऊपर जब हमला हुआ था तो ये रिक्शा चालक भी मारपीट में मौजूद था। अभी इसकी जिसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, API बोर्ड से इस मामले की जांच कर रहे हैं। रिजवी साहब, अगर वो शख्स कुख्यात रहेगा तो रिक्शा क्यों चलाएगा, ये भी एक मतलब इस पर सवालिया निशान है। और अभी 2 महीना पहले भी आपके साथ एक वारदात सामने आई थी जिसमें आपने मीडिया के सामने कहा था कि नदीम चिकना आपकी बजाना चाहता है, तो कैसे बजाना चाहता है, क्यों बजाना चाहता है, इस पर रोशनी डालिए। हाँ, अभी रह गए कि रिक्शा चालक जो कुख्यात है वो क्यों, अगर कुख्यात है रिक्शा क्यों चलाएंगे, तो हम आपको बता दें कि इस वक्त लगभग 40% जो कुख्यात बदमाश चोर उचक्के हैं और यूपी बिहार MP गुजरात जहां के ये तड़ीपार लोग हैं ये मुमरा में रिक्शा चला रहे हैं, मुमरा को अपना पनाहगाह बना लिया है। हम कई अपने अखबार में लगातार कई हफ्ते से मैं प्रमुखता से ये बात छाप रहा हूँ कि कुख्यात अपराधी मुमरा में रिक्शा चला रहे हैं, और मेरे खबर को संज्ञान में लेते हुए सीनियर इंस्पेक्टर मधुकर कड़ और ट्रैफिक इंचार्ज सुरेश लंबाते ने बड़े पैमाने पे कार्रवाई की है। अब तक सैकड़ों रिक्शों को उन्होंने जमा किया है, लाखों रुपए जुर्माना वसूला है, कई चालकों को अंदर भी किया है। और रह गई बात कि हमारे ऊपर क्यों हमले हो रहे हैं और कौन है इसका साजिश करता, तो हम आपको बता दें कि एक कुख्यात बदमाश है, वो ड्रग तस्कर है, उसके विरुद्ध सैकड़ों अपराध दर्ज है, उसका नाम है नदीम चिकना। उसने हमको धमकी दिया था, हमसे हफ्ता वसूली करने की कोशिश की थी, तो हमने वो उसकी शिकायत दर्ज कराई थी और मेरे शिकायत पर FIR दर्ज हुआ और ACP रमेश धुमाल ने इस मामले को अति गंभीरता से लेते हुए नदीम चिकने के ऊपर मकोका लगाया। इस वक्त थाना जेल में वो मकोका में बंद है, तब से मेरे ऊपर लगातार 3 से 4 बार हमले हो चुके हैं। यानी हमारा मर्डर वो कराना चाह रहा है, जेल में बैठे ही बैठे अपने गुर्गों को उसने आदेश दे दिया है कि हमारा वो गेम बजा दे। मैंने इस तरह की कंप्लेन भी दी है कि हमको सुरक्षा प्रदान की जाए, हमारी जान को खतरा है, मेरे बच्चों को खतरा है, हमारे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको कभी भी उनके साथ अनहोनी हो सकती है। बाकायदा मैंने एक विशेष पत्र एडिशनल CP मधुकर पांडे साहब को दिया, मधुकर पांडे साहब ने फौरन जो है उसको अति गंभीरता से लिया। इस बात की तारीफ की जाएगी कि मधुकर पांडे साहब ने बहुत ही गंभीरता से लिया और फौरन सुरक्षा के जो DCP हैं उनसे कहा कि इस पर कार्रवाई की जाए, और उन्होंने DCP ने फौरन मुमरा पुलिस स्टेशन को भेजा, मुमरा पुलिस स्टेशन से मेरा स्टेटमेंट हो गया है, ACP के यहाँ आ गया है, फिर दोबारा DCP साहब के यहाँ आया है, लेकिन अभी तक हमारी जो सुरक्षा की जो कवच है वो अभी अधर में ही लटकी है। लगता है कि पुलिस हमारे जनाजे पे ही सुरक्षा भेजेगी, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गया है अभी तक हमको सुरक्षा नहीं मिली है।
क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम सुरक्षा के लिए चेक नहीं दे सकते, हमारे पास लाउड लश्कर नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो क्या हमको जीने का हक नहीं है? मैं एक पत्रकार हूँ, देश का चौथा स्तंभ है उसका मैं एक प्रतिनिधि हूँ, तो क्या हमको जीने का हक नहीं है? हमारा मर्डर हो जाए, हमको सुरक्षा अगर नहीं मिलेगा तो कभी भी मेरी हत्या हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। सुल्तान भाई, जो ये हादसे हो रहे हैं बार बार और आप उसकी शिकायत जो है लगातार मुंगरा पुलिस स्टेशन में कर रहे हैं, यहाँ तक कि यहाँ के ज्वाइंट सीपी मधुकर पांडे जी से आपने बात की और शिकायत दर्ज कराई, उन्होंने आदेश दिया कि सुरक्षा प्रदान किया जाए या फिर इसकी जांच की जाए, तो क्या लगता है ज्वाइंट सीपी के इस मामले में जो है ज्वाइंट सीपी साहब इतना ध्यान दे रहे हैं और जो सुरक्षा विभाग के डीसीपी है उनको आदेश भी दिए जाँच के, इसके बावजूद पुलिस कहीं ना कहीं इसमें आनाकानी बरत रही है, तो क्या लगता है पुलिस जो है आरोपियों से मिली हुई है या अपराधियों से मिली हुई है जो आपको डर सता रहा है कि मेरा मर्डर कभी भी हो सकता है और इस तरह से हमले भी हो रहे हैं जिसकी शिकायत आप लगातार मुंगरा पुलिस स्टेशन में दर्ज भी करवा रहे हैं, तो क्या लगता है पुलिस की तरफ से इस तरह से जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो नजरअंदाज किया जा रहा है इस मामले को, क्या कहेंगे इस पर? हम ये तो नहीं कहेंगे कि पुलिस आरोपियों से मिली है, ये बिल्कुल 100% हम इसको नहीं मानते, क्योंकि पुलिस एक बात है पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सतर्क रहती है, अब सबके सबके अधिकार के मामले होते हैं कि उनको अधिकार है सुरक्षा देने का नहीं, कि ऊपर से सीपी साहब का आदेश आएगा तो दिया जाएगा, एक कमेटी बैठेगी उस कमेटी में डिसाइड किया जाएगा कि सुल्तान रिज़वी को सुरक्षा दिया जाए कि ना दिया जाए, फिर भी ज्वाइंट सीपी मधुकर पांडे साहब ने मेरे मामले को गंभीरता से लिया है सुरक्षा के, क्योंकि ज्वाइंट सीपी मधुकर पांडे साहब से मैं 2005 में मिला था और 2005 में मैंने नदीम चिकने को अंदर कराया था, मेरे घर के बाजू में एक रेशमा नाम की लड़की रहती थी, उसको नदीम चिकने ने जो है किडनैप किया था और बाकायदा मैंने नदीम चिकने के खिलाफ FIR दर्ज किया था मधुकर पांडे साहब से, तब मधुकर पांडे परिमंडल एक के जो है DCP थे, 2005 की बात है, तो मधुकर पांडे बहुत ही अनिष्ट IPS है, मानना पड़ेगा इसके जैसा, मतलब पूरे मुंबई में ईमानदार ऑफिसर तो कोई नहीं है, बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है और बाकायदा जो है हर चीज को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और उम्मीद करता हूं कि मधुकर पांडे साहब जरूर जो है हमारे जान को जोखिम में देखते हुए और सुरक्षा प्रदान करें। सुल्तान भाई, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि मुंगरा शहर में आप 2 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं और इसी शहर में लोग 3 दशक से 4 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं और कुछ लोगों ने इसमें निष्पक्ष पत्रकारिता के माध्यम से समाज में अपनी अलग जो है पहचान बनाई है, तो ये हमले सिर्फ और सिर्फ आप ही के ऊपर क्यों हो रहे हैं? तो आपने ऐसा क्या किया है अपराधियों के खिलाफ या जो भी समाज कंटक है उनके खिलाफ आपने ऐसी कौन सी जो है अभियान चला दी थी जो इतना लोगों ने जो है जो आपको आपके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं? क्या कारण हो सकता है कि बार बार रोड पर आपके ऊपर इस तरह का हमला चिंता का विषय है और इसमें पत्रकारों को भी आगे आने की जरूरत है, मगर कारण क्या हो सकता है कि हमले जो है आप ही पर हो रहे हैं? हाँ, इसका मेन कारण यह है कि हमारी लेखनी में बड़ी निष्पक्षता है, बहुत कड़वाहट है, मैं जब लिखता हूं तो जो सच बात रहती है वही लिखता हूं, अब सच बात तो लोगों को कड़वा लगेगा ही, कड़वा तो सत्य होता है, लेकिन सत्य का खामियाजा आज के जमाने में लोगों को कैसा जान दे करके जो है चुकाना पड़ता है, और आपको बता दें कि यहां पर सबसे कुख्यात बदमाश था अब्दुल रहमान खान जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज थे, ये वही अब्दुल रहमान खान था कि जिसने मुंगरा समाचार के एडिटर को उनके ऑफिस में घुस करके और जो है उनको रिवाल्वर जो है तान दिया था, मेरे ऊपर रिवाल्वर तान दिया था और उसको जो है मुंगरा समाचार के संपादक इमरान मुरी को सुरक्षा भी प्रदान की गई थी, परशुराम बापट सीनियर इंस्पेक्टर थे 1997 की बात कर रहा हूँ मैं, तो इमरान मुरी साहब भी अब्दुल रहमान खान के खिलाफ काफी लड़ाई किया, उन्होंने काफी खबरें लिखी और हमने भी जो है लिखा और हमारी शिकायत पर उसके ऊपर मकोका लगाया गया, उसने कोर्ट में पुलिस के सामने कहा था अब्दुल रहमान खान ने कि जैसे मैं छूटूंगा तुझको गोली मार दूंगा, तो हमने कहा कि भाई तू अभी गोली मार दे, तेरी तमन्ना पूरी हो जाए, जब ऊपर वाला चाहेगा ईश्वर अल्लाह चाहेगा तभी हम मरूंगा, इससे पहले मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं यूपी में मैंने बिहारों में मैंने रिपोर्टिंग की है,
लखनऊ में मैंने किया है, गांव गांव में चप्पे चप्पे में किया है, तो मैं किसी से डरता नहीं हूँ। सच्चाई है, एक दिन मरना तो है ही, तो मरे तो सच्चाई के रास्ते पे जाकर के मरे, तो कोई गम ना हो। इसलिए जो है हम जरा भी पत्रकारिता जब हमको जब मैं करता हूँ और लिखता हूँ तो हमको जरा भी न खौफ रहता है न डर रहता है। और चोर और बदमाश कुख्यातों से क्या डरना, उनके कोई दिल होता है, उनका दिल बड़ा छोटा होता है, एक हवलदार को भी देखेंगे तो वो भाग जाएंगे। इसलिए मैं उनसे घबराता नहीं हूँ और मैं उम्मीद जताता हूँ कि पुलिस मेरा साथ देगी और यहाँ के पत्रकार बंधु भी मेरा साथ देंगे और दे रहे हैं। हम यहाँ के पत्रकारों को मुबारकबाद ही देते हैं कि जब भी सुल्तान रिज़वी का फोन जाता है कि मेरे ऊपर हमला हुआ तो सारे पत्रकार बेचारे कहीं भी रहते हैं, वो कोई पैदल रहता है तो पैदल भाग के आता है, कोई बाइक से होता है, कोई रिक्शे से भाग करके आता है। मैं इसकी तारीफ करूंगा। जब आखिरी बार मेरे ऊपर हमला हुआ है और मित्तल ग्राउंड में जब हमको लोग मारने लगे हैं, तो मैंने सबसे पहले रफीक कामदार को, जो यहाँ के सीनियर पत्रकार माने जाते हैं, मैंने रफीक कामदार को फोन किया। वो पैदल थे बेचारे, वो पैदल भागते भागते आए हैं, उन्होंने कोई जरा भी परवाह नहीं की, जिस हालत में थे भाग करके आकर के उन्होंने हमको बचाया, फिर पुलिस आई, फिर आरोपी को गिरफ्तार किया। तो हम पत्रकारों से भी बड़ी उम्मीद रखते हैं, ऐसा नहीं कि हम पत्रकार हमारा साथ नहीं दे रहे, पत्रकार भी साथ दे रहे हैं, यहाँ के अच्छे नेता भी साथ दे रहे हैं और यहाँ के नागरिक भी बहुत अच्छे हैं। वो समझते हैं कि सुल्तान भी गलत लिख रहा है या सही लिख रहा है, उसको देखते हुए जो है यहाँ के जो है जागरूक नागरिक भी मेरा साथ दे रहे हैं, पत्रकार बंधु भी और पुलिस सब साथ दे रहे हैं। लेकिन अभी सुरक्षा के मामले में क्यों इसको जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, अब ये तो चिंता का विषय है। दोस्तों, तो आपने देखा, ये थे इस मामले के फरियादी सुल्तान रिज़वी साहब और इन्होंने अपनी रुदास सुनाई। तो अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले को कितना गंभीरता से लेती है। तो इसी तरह से समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए पब्लिक चैनल।